तो आपने कल देखा था अर्थ के आधार पर वाक्य, आज हम देखेंगे चल वाक्य के सामान्य जो है भेद हमने देखे थे। रचना के आधार पर भेद भी हमने पढ़ा था, अब ये पढ़े थे तत्व पढ़े थे, वाक्य के तत्व कौन कौन से हैं, जिसमें मैंने आपको एक लाइन से कही थी सार्थक और योग्यता की निकटता के पदक्रम को देख कर आकांक्षा का अन्वय बिगड़ गया। इसमें सारे के सारे मूल जो वाक्य के तत्व है वो तत्व आ जाते हैं जब ये लाइन अपन याद कर लेते हैं, सार्थक और योग्यता की निकटता के पदक्रम को देखकर आकांक्षा का अन्वय बिगड़ गया। ये बात मैंने आपको समझाई थी, इसमें सारे सारे वाक्य के तत्व आ जाते हैं। वाक्य क्या है? सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अभिप्राय निकले, अर्थ निकले, वह वाक्य कहलाता है। इसके बाद में अनिवार्य तत्वों की अगर हमने बात करी थी, उसमें उद्देश्य की बात करी थी और एक विधेय की बात करी थी, उस पर भी मैं हल्की सी चर्चा कर लेता हूँ ताकि आपका रिविजन हो जाए। उद्देश्य है वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है, और विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए या बताया जाए वह विधेय कहलाता है। इसके बाद में रचना के आधार पर तीन भेद हमने वाक्य के पढ़े थे, जिसमें सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य पढ़े थे। सरल में एक उद्देश्य और एक विधेय की बात हमने करी थी, जिसमें एक उदाहरण लिया था राम श्याम मोहन बाजार गए। अब तीन नाम एक साथ आते थे, विद्यार्थी पूछ देंगे इसमें तीन उद्देश्य हैं, तीन उद्देश्य नहीं है, चूंकि विधेय एक ही है, एक ही होने की वजह से वे सभी एक ही उद्देश्य माने जाएंगे। इसके बाद में संयुक्त वाक्य की बात करें, जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य रहते हैं वह संयुक्त वाक्य हमारा कहलाता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य रहता है और शेष अन्य आश्रित उपवाक्य रहते हैं। यदि पहला वाला बात या दूसरे वाली बात को समझने के लिए पहले वाली बात को समझना आवश्यक होता है वह मिश्र वाक्य होता है। दूसरी वाली बात जो होती है वह उसको समझना है तो पहली वाली बात जब अपन पढ़ते हैं तो उसका आंसर निकल जाता है, मिश्र वाक्य की ट्रिक। आज अपन अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। इसकी भी एक ट्रिक मैंने आपको बना करके बताऊंगा बनाई है। अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद होते हैं। पहले अपन भेद की बात कर लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद होते हैं, जिनमें सारे लिखे हुए मूल मूल बातें मैंने लिख दी है। पहले विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य है इसका पहला अर्थ है विधानवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर इसमें क्या है कि जिन वाक्यों से किसी काम के करने का सामान्य बोध हो, ऐसे वाक्य है जिसमें किसी काम को करने या होने का, करने या होने का सामान्य बोध हो जाता है वह अपना कौन सा वाक्य कहलाएगा, विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे पृथ्वी गोल है, एक सामान्य ज्ञान हो रहा है, सामान्य जानकारी हो रही है, तो वह विधानवाचक वाक्य में आएगा। फिर है दूसरा आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में केवल आज्ञा का बोध नहीं होता, आज्ञा के साथ में प्रार्थना, उपदेश और अनुमति, ये तीन चीजें भी साथ में रहती है। आज्ञा तो है ही है, नाम ही आज्ञावाचक है। प्रार्थना, उपदेश और अनुमति का भाव जहां प्रकट हो वह हमारा कौन सा वाक्य कहलाएगा, आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे जाओ बाजार से सामान लाओ, जाओ बाजार से सामान लाओ, आज्ञा हो रहा है ना, आज्ञा हो रही है, तो प्रार्थना भी हो सकती है, उपदेश भी हो सकता है, अनुमति भी हो सकती है। इस प्रकार का भाव अगर प्रकट हो तो आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा, नाम से ध्यान में आता। तीसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब नहीं, कथन का निषेध किया जाता है, मनाही की जाती है, वहां पर निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे राम आज नहीं आया, राम आज स्कूल नहीं गया है, तो यहां पर निषेध हो रहा है पर निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। चौथा अपना है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा नाम से ही ध्यान में आता है, प्रश्नवाचक यानी प्रश्न खड़ा होना चाहिए या प्रश्न का बोध होना चाहिए, तो जिन वाक्यों में प्रश्न का बोध होता है वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुमने मेरी पुस्तक कहाँ रखी है, प्रश्न खड़ा हो रहा है, तुमने मेरी पुस्तक कहाँ रखी, इसका मतलब यह प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य का मतलब वक्ता जो है अपने आप दूसरों के लिए कोई इच्छा प्रकट करे, बोलने वाला वक्ता है नहीं बोलने वाला, अपने लिए या दूसरों के लिए कोई इच्छा प्रकट करे वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भगवान तुम्हारी रक्षा करे, इच्छा प्रकट हो रही है वक्ता के द्वारा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा।
छठा है संदेहवाचक वाक्य, जहां पर संदेह का भाव प्रकट हो, संदेह हो, पूरी तरह से कह नहीं सकते मैं भी, संभावना जाहिर हो, वहां पर संदेहवाचक वाक्य। शायद इस वर्ष वर्षा अच्छी हो, शायद इस वर्ष वर्षा अच्छी हो, या शायद इस वर्ष अच्छी वर्षा हो, शायद इस वर्ष अच्छी वर्षा हो, संभावना बताई जा रही है, तो वहां पर संदेहवाचक वाक्य। सातवां है विस्मयादि बोधक या विस्मयवाचक वाक्य, जिसमें हर्ष है, विस्मय है, शोक आदि का भाव प्रकट होता है, वे वाक्य विस्मयादि बोधक या विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। वाह कितना अच्छा मौसम है, विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। अंतिम है संकेतवाचक वाक्य, किसी न किसी शर्त की पूर्ति हो, संकेत का मतलब किसी न किसी शर्त की जहां पर पूर्ति हो वाक्यों में, वहां पर संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो अवश्य सफल होगे, ये संकेत हो रहा है, एक शर्त है सफल होने के लिए, कौन सी शर्त, मन लगाकर पढ़ने की। तो ऐसे वाक्य जिसमें एक शर्त पूरी हो तो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा, यानी तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो अवश्य सफल होंगे। यह है अपने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। इसी के साथ में मैं इसकी ट्रिक बता देता हूं आपको, ताकि जल्दी से ये याद किस प्रकार से हो जाए। जैसे एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद में अपना आज का ये टॉपिक वाक्य का पूरा हो जाएगा। वाक्य के भेद आपके सामने लिखे हुए हैं, ये इसी के आधार पर मैंने एक बनाई है। जैसे विधान, राष्ट्र का, या विधान हमारा, प्रश्न राष्ट्र का, विधान हमारा, प्रश्न राष्ट्र का, आज्ञा संकेत मोदी का, इच्छा इच्छा अभिनंदन की, इच्छा अभिनंदन की, पार्क में विस्मय, पार्क में विस्मय, विधान हमारा, प्रश्न राष्ट्र का, आज्ञा संकेत मोदी का, इच्छा अभिनंदन की, पार्क में विस्मय, पार्क में विस्मय, निषेध सीमा पार गए, निषेध सीमा पार गए। आठो अर्थ वाक्य के इसमें सारे समा गए, ये आठ प्रकार है वाक्य के, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच छ सात, और एक दो तीन चार पांच छ सात, विधान हमारा, प्रश्न राष्ट्र का, आज्ञा संकेत मोदी का, इच्छा अभिनंदन की, पार्क में विस्मय, निषेध सीमा पार गए, आठों अर्थ वाक्य इसमें सारे समा गए। आज्ञा संकेत मोदी का, संदेह अपन इसको पार्क में विस्मय वह संदेह, ऐसा करके इसको पूरा कर सकते हैं। ट्रिक बनाई है, कहीं लिखी हुई नहीं है। तो विधान हमारा, प्रश्न राष्ट्र का, आज्ञा संकेत मोदी का, इच्छा अभिनंदन की, पाक में विस्मय और संदेह, निषेध सीमा पार गए, आठों अर्थ वाक्य के इसमें सारे समा गए। इस प्रकार वाक्य के अर्थ के आधार पर आठों
प्रकार या भेद पूरे होते हैं। धन्यवाद।